मुझे इसमें बीजेपी से कोई शिकवा नहीं, लेकिन कुछ जयचंद जो बीजेपी के हाथ बिके हुए हैं लेकिन कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं, ये उन जयचंदों की शक्ल को साफ दिखाता है, उनकी मंशा को साफ दिखाता है कि वो रहे तो कांग्रेस में रहे लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं, बीजेपी से बिक गए एक साल पहले। और निश्चित रूप से आला कमान ने एक साल पहले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फॉरगेट एंड फॉरगिव पॉलिसी के तहत बड़ा दिन रखते हुए सबका स्वागत किया, और उसके बाद अगर इस प्रकार की धोखाधड़ी पार्टी के साथ में होती है निश्चित रूप से ऊपर तक शिकायत तो जाएगी, रुकेगी नहीं। और आला कमान ने पहले भी फॉरगेट एंड फॉरगिव के तहत निर्देशन दिया, उसकी पालना हुई, और आगे यदि वो कोई कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से सबको स्वीकार है। जयपुर के बाद भरतपुर में भी बना नहीं पाए जयपुर, तो क्या